हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुंदरू और आलू की रेसिपी। बहुत अच्छी होती है, अंदर क्या क्या चीज डलती है वो मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत मजे की होते हैं ये। 250 ग्राम कुंदरू है, ये 250 ग्राम आलू है और एक टमाटर है जो मैं पीस कर डालूंगी। और ये मैंने यहाँ से दोनों तरफ से कट करके रखे हैं, मैं इनको बीच में से पीस बनाऊंगी इनके इस तरह से। बहुत मजेदार रेसिपी होती है ये आलू कुंदरू की। खाली कुंदरू भी बनाते हैं मगर आलू कुंदरू भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मजे से बनते हैं सारे। देखिए इस तरीके से बहुत ही मजेदार वाली रेसिपी बनने वाली है, जो अंदर से बाइट होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। देखो इनका ये पूरे अंदर से रेड रेड निकल रहे हैं, इनको इसी तरह पीस बना के काटा जाता है। ये देखो हल्का सा कम लाल है मगर है, ये कितना रेड है। ये कच्चा भी खाया जाता है, बहुत मजेदार लगता है कच्चा खाने में। जैसे आप टमाटर खाते हैं इस तरीके से इसका टेस्ट होता है खाने में, बहुत मजेदार लगता है। आलू को भी मैं इसी तरह कट करूंगी जिस तरह मैं कुंदरू काट रही हूँ, लंबे लंबे पीसों में बनाऊंगी आलू। देखिए ये व्हाइट निकला, देखिए सारे कुंदरू मैंने काट लिए, पूरे पूरे कट हो गए। अब मैं आलू को कट करूंगी, इनको सबको कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आलू में लंबे वाले काट रही हूँ, गोल गोल नहीं रख रही, क्योंकि कुंदरू भी लंबे हैं कटे हुए, आलू भी मैं लंबे काट रही हूँ, ज्यादा मोटे नहीं काट रही, पतले ही काट रही हूँ। आलू को भी इसी तरह कट करना है हमें जैसे हमने कुंदरू को बीच में से फाड़ा है। बड़े आलू लीजिएगा, बड़े आलू में ज्यादा सही रहेगा। देखिए आलू सारे कट गए, अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं हम किस तरह बना रहे। देखिए हमने ये ऑयल गरम कर लिया, कुंदरू और आलू की सब्जी बनाकर दिखा रहे थे हम। कुंदरू को ऐड करेंगे, इनको थोड़ा सा हमें। देखिए मैंने कुंदरू इसके अंदर डाले, इतनी तेज आवाज की और छिटकना शुरू हो गए। इनको तकरीबन 10 मिनट हमें इसी तरह थोड़ा फ्राई करना है और आप ढककर करिएगा। ये फ्राई कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने कुंदरू को इतना फ्राई किया है तो इस तरह सिक गई। हम इसी के अंदर हम आलू ऐड करेंगे। देखिए कुंदरू तो मैंने निकाल लिए, न तो ये ज्यादा हो जाते, और आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी। निकालकर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने इसके अंदर ऑयल डाला और इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। देखिए ये इसका मसाला है, आधी चम्मच से भी कम बिल्कुल हल्दी है, आधी चम्मच धनिया है, आधी चम्मच मिर्ची है, आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट है। हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हम भून कर मसाले को फिर आपको दिखा। देखिए थोड़ी सी हमें खटाई भी ऐड करनी है इसके अंदर, ताकि इसका टेस्ट अलग होना चाहिए। तेल हमने इसलिए इसमें कम डाला है, हमने कुंदरू भी फ्राई किए और आलू भी, उनके अंदर भी तेल डालकर हमने किए थे। अब अगर तेल ज्यादा डालेंगे तो सब्जी के अंदर पूरा पैर जाएगा। देखिए जो ये कट करके टमाटर रखा था बारीक, हम उसको भी ऐड करेंगे, टमाटर थोड़ा सा गल जाए। देखिए मसाला कितना बेहतरीन बना है, टमाटर भी पूरा एकदम पूरा मिल गया मसाले के अंदर, गल कर पता भी नहीं चल रहा। मसाला एकदम बढ़िया तरीके से नहीं भुनता जब तक सालन में टेस्ट नहीं आएगा, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। सालन जब भी मजे का होता है जब मसाला अच्छे से हम भून जाए। अब इसके अंदर हम कुंदरू भी ऐड करेंगे, ये 5 से 6 हरी मिर्ची मोटी वाली, इनको भी ऐड करेंगे, आलू भी ऐड करेंगे। कुंदरू आलू की बहुत मजेदार रेसिपी होती है, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए अभी तो पूरे तैयार भी नहीं हुए, शक्ल देख कर ही खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह रहेंगे जिस तरह इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, कुंदरू आलू दोनों चीजें गल जाए। पानी डाल दिया, इसको हम गलाकर पूरा तैयार करके फिर आपको दिखा देंगे। देखिए आलू और कुंदरू बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने मजे से आलू गला है, कितने मजे से कुंदरू गला है, देख सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन रेसिपी है इसकी। अब बिल्कुल इसी तरह खुशक होकर बनेंगे, एकदम नीचे आलू के अंदर दाग लग जाए बस फिर तो खाने में मजा ही आ जाता है। सब करके दिखा लूंगा। देखिए आपको मैंने आलू और कुंदरू की सब्जी बनाकर दिखाई, बड़ी मजे की, बहुत टेस्टी होती है। और सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई लंबे काटता है, कोई गोल काटता है, मगर जायका तो एक ही होगा उसका। बस ये कहिए आपके, एक मसाले के बनते हैं, एक बगैर मसाले के बनते हैं, हरी मिर्च डाल के बनाया जाता है,
ये कम मिर्ची के बनाए जाते हैं तो उसके अंदर टेस्ट थोड़ा अलग होगा, मगर जो थोड़े से तीखे हों, चटपटे हों, शक्ल से अच्छे लगें तो उनके जायका अलग होता है। और मैंने आपको सारी चीज दिखाई, मसाला दिखाया, इसमें मैंने खटाई भी ऐड की है, टमाटर भी डाला है, सारी चीजें मैंने इसमें मिक्स की हैं। इस तरह सारी चीजें मिलाकर बनाई जाएगी तो बहुत ही मजेदार, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और आप इसको एक बार ही बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आलू कुंदरू की सब्जी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।